प्रिय भाई बहनों, आपके PA 1 परीक्षा संपन्न हुआ। इसके बाद हम लोग अब क्लास लेंगे। क्लास में अगले चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आज हम लोग PA 1 में जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोगों ने कैसे हल किया, सही किया, गलत किया, कैसे उत्तर लिखा। ऐसे तो उत्तर आप लोगों को सब लिखा ही दिया गया है, परंतु ये जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं इसको कैसे हम हल करें और जो हल कर चुके हैं इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे, तो इसको हम आज देखेंगे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारा है, जैसे सेवेंथ ए, मैं बता दे रहा हूँ, ये सिक्स का हो गया, सिक्स के बाद ए एट का हो गया, एट के बाद ये हो गया सेवेंथ। हाँ, यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपका ये क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है इसको आप लोगों ने लिखा था। कुछ भैया बहनों ने ये प्रश्न को उतार करके तब टिक मार्क लगाया था, कुछ लोगों ने ये जो 1 है 2 है 3 है 4 है ऐसे करके लिखा था, लेकिन आपका असली उत्तर क्या होगा, जो उत्तर नंबर 1 लिख करके और जो आप शब्द लिखेंगे उसी को उत्तर के रूप में लिखना था। जैसे उत्तर 1, इसमें कौन सा, ये ताल, तो ताल इसमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, मरुस्थल प्राकृतिक पर्यावरण है और वन प्राकृतिक पर्यावरण है ही है, लेकिन ताल क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है, तो इसको आपको उत्तर लिखना था। तो इसमें सही उत्तर है ताल। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो उत्तर लिखते स्थल, तो कुछ भैया मैंने उत्तर 1 लिख दिया है, कुछ लोग 2 लिख दे हैं, तो ऐसे फिर हम लोग को उत्तर देखना पड़ता है। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो सड़क, सड़क क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। पृथ्वी की सबसे पतली परत है कौन सा है, प्रॉपर्टी है, मेटल है, क्रूड है, तो प्रॉपर्टी है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो कौन से सेल हैं, औषधीय सेल, कायांत्रित सेल, अग्नि सेल, तो औषधीय सेल। अब आ गया अति लघुतरी प्रश्नोत्तर, ये 2 अंक के हैं। जयमंडल क्या है, आप जयमंडल समझते हैं कि जहां पृथ्वी, आकाश, वायु तीनों का संपर्क होता है उसको हम जयमंडल कहते हैं। चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, दिल्ली, अजमेर, ठीक है। अब ये सही जोड़े बनाइए, जयमंडल, जयमंडल क्या है, जहां स्थल, वायु, जल पारस्परिक क्रिया करते हैं, था परस्पर क्रिया करते हैं, एक साथ मिलते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल, जलीय क्षेत्र, जहां जलीय क्षेत्र समुद्र है उसको जलमंडल कहते हैं। इस प्रकार से ये जोड़े बनाने का प्रश्न का उत्तर रहा। लघुतरी प्रश्नोत्तर, 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखिए। 3 प्रकार की शैल आप लिखे भी हैं, कुछ भैया बहने गलत लिखे हैं, अग्नि शैल, कायांत्रित शैल, औषधीय शैल, ठीक है। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, ठीक है, कम दूरी पर ही किसी अपने जनपद में से ही अपने जनपद मिलवाते थे, तो उसको लोग कम जानकारी वाले व्यक्ति जो है क्या करते थे, उनको विदेशी मानते थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब कि जो किसी कास्ट के हों, अर्थात वे 18 वर्ष के वाय जो
आज पूरा कर चुके हैं और उनको मत देने का अधिकार है। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, ठीक है, चिकित्सा का है, तरह तरह के वैक्सीन का, इस प्रकार के चीज को व्यवस्था करने के लिए सरकार सोच सकती है। इसके बाद जो है, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, इस कथन को समझाइए। आप सब समझते हैं कि कानून वास्तव में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई ऊंच हो, नीच हो, अफसर हो, अधिकारी हो या कोई किसान हो, सबके लिए कानून बराबर है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने ठीक से लिखा। अब हम लोग कल से अपने जो विषय सामाजिक विज्ञान है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अब उसको हम लोग लगातार पढ़ेंगे। अब अगले परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे और हम लोग घर पर ठीक से पढ़ें। इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न का उत्तर था, कुछ भैया बहनों ने ठीक से नहीं लिखे, उसको ठीक से लिखने का प्रयास करेंगे। और जो भैया बहनें PA1 का परीक्षा नहीं दिए हैं, वो फिर से अपना ये पेपर आपके व्हाट्सएप पर गया ही होगा, उसको हल करके PDF बना करके भेज दें। धन्यवाद।